इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश वर्क। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपनी बुक ओपन करेंगे। बुक ओपन करके आपको मैं बता रही हूँ पेज नंबर 24 होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आपने पेज नंबर 24 होमवर्क का करना है। ये इस करके आपने मुझे इसकी पिक सेंड करनी है, ओके। उसके बाद पेज नंबर 25 आज हम करेंगे क्लास वर्क में। पेज नंबर 25 में आज हमने यूज़ ऑफ डैट का यूज़ करना है। डैट के व्हाट इज़ द स्पेल ऑफ डैट? THAT डैट। व्हाट इज़ द स्पेल ऑफ डैट? THAT डैट। अब ये देखें इधर लिखा हुआ है कलर इट, आपने THAT में कलर करने हैं, ओके। मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर्स, बी केयरफुल वाइल यूजिंग ए और एन। आपने इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट पे कौन सी पिक्चर है? कार्ड। सेकंड पे बर्ड। थर्ड पे आंट। फोर्थ पे गर्ल। फिफ्थ पे ट्रक। इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपने डैट के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। और आपने सेंटेंसेस बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ए और एन किसके साथ लगेगा, ठीक है। चलें अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बना हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, डैट इज़ आ कार। अब कार जो है वॉवल लेटर के साथ नहीं स्टार्ट हो रही, सी के साथ स्टार्ट हो रही है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ए। डैट इज़ आ कार, वो एक कार है। डैट का मीनिंग क्या है? वो। अब सेकंड पे क्या, कौन सी पिक्चर है? बर्ड। डैट इज़ आ बर्ड, वो एक परिंदा है। थर्ड पे कौन सी पिक्चर है? आंट। डैट इज़ एन आंट। अब आंट किस लेटर से स्टार्ट हो रही है? ए से। ए क्या है? वॉवल लेटर है। वॉवल लेटर के साथ क्या लगेगा? एन। एन एन, डैट इज़ एन आंट। फोर्थ पे कौन सी पिक्चर है? गर्ल। डैट इज़ आ गर्ल, वो एक लड़की है। फिफ्थ पे ट्रक। डैट इज़ आ ट्रक, वो एक ट्रक है। स्टूडेंट्स आपने इसी तरह नीट राइटिंग में ये काम लिखना है और फिर मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। इसके साथ अब आपने आज की आपकी रीडिंग क्या है? रीडिंग में आज आपका है पेज नंबर टेन। डैट इज़ आ कार, डैट इज़ एन अनियन, डैट इज़ आ बर्ड, डैट इज़ एन आंट, डैट इज़ आ गर्ल, डैट इज़ एन आयरन। अब ये देखें इधर भी ए और एन का आपने देखना है कि किस किस के साथ एन लगा है। जहाँ जहाँ वॉवल लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है उधर एन लगा हुआ है। दिस इज़ आ ट्री एंड डैट इज़ आ लीफ। इधर ये बॉय कह रहा है ये एक ट्री है और वो एक पत्ता है। दिस इज़ आ फ्लैग एंड डैट इज़ एन एरोप्लेन। दिस इज़ आ कैंडल एंड डैट इज़ आ डॉल। ये आपने लर्न करना है। ये लर्न करके फिर इसका वॉइस मैसेज स्टूडेंट्स मुझे सेंड करना है सब स्टूडेंट्स ने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।